गुड मॉर्निंग फ्रॉम उदयपुर। और अभी हूँ मैं बाहुबली पॉइंट। आप यहाँ देख सकते हो, पीछे आप देखोगे बहुत सारा पानी पानी दिख रहा है, इट्स लेक। एंड इस साइड आप देखोगे इट्स ऑल माउंटेन। एंड दिस प्लेस इज बेसिकली फेमस फॉर द सनराइज पॉइंट। एंड आप यहाँ पे आके सनराइज देख सकते हैं। एंड टाइमिंग होगा लाइक 5:15 से लेके 7 o'clock आप यहाँ पे सनराइज चेकआउट कर सकते हैं। सो मैं तो ऊपर नहीं जा पाई, मेरे पैरों में दर्द हो रहा था, तो मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ अच्छे अच्छे सीन्स लेकर आई हूँ। थोड़ा सा एफर्ट मेरे भाई ने यहाँ पे किया है, तो मेरे भाई ने यहाँ पे कुछ चीज़ों को शूट किया है आप लोगों को दिखाने के लिए, तो उसे ज़रूर से इंजॉय कीजिएगा। तो चलिए, उसने क्या शूट करके आप लोग के लिए लाया है, बाहुबली पॉइंट का क्या क्या सीन उसने लाया है, वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। आई होप आपको वो अच्छा लगे। चैनल पे नए आए हो ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसे अच्छे अच्छे क्लिपिंग्स, अच्छे अच्छे वीडियोस और अच्छे अच्छे जगह आपको मैं घुमा सकूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो बाहुबली पॉइंट आप आ सकते हैं ऑटो से या फिर अपना गाड़ी करके, जो प्राइवेट टूरिज्म के लिए आप यूज़ करते हो आप उससे आ सकते हैं। इधर विजिट करने का सबसे बेस्ट टाइम है अर्ली मॉर्निंग, जब सनराइज होता है। हालांकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा जल्दी पहुंच गए थे, तो हम लोग अंधेरे में पहुंचे थे और हमने पूरा सनराइज का इंजॉय किया। बहुत ही सुंदर दिखता है जब आप यहाँ पहुँचते हो, चारों तरफ आपको पहाड़ दिखेंगे। मेरे ख्याल से जितना मुझे आइडिया है, आपको राजस्थान में अरावली हिल्स दिखते हैं, तो मेरे ख्याल से जितना मुझे आइडिया है यहाँ पे अरावली हिल्स के ही पोर्शंस हैं, पार्ट्स हैं, अलग अलग नेम होते हैं हालांकि। तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे आपको पहाड़ दिखेंगे साइड साइड में, बीच में आपको झील दिखाई देगा यानी लेक दिखाई देगा। एंड इसको पिचोलिया लेक भी कहा जाता है, जो आप लेक देख पा रहे हो ये पिचोलिया लेक का बैक साइड है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है जब आप सनराइज पे आते हैं। यहाँ पे आपको अर्ली मॉर्निंग जब आप आते हो तो आपको चाय नाश्ता का भी सुविधा मिलता है, एंड यहाँ पे आप आके बहुत सारे सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स ले सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे बाहर के लोग भी आते हैं, क्योंकि मैं लॉकडाउन के ठीक बाद गई थी तो यहाँ पे फॉरेन टूरिज्म तो कम थे, बट इंडिया से काफी जगह से लोग आए थे। साउथ से मैंने बहुत सारे लोगों को देखा था आते हुए, तो बहुत मजा आया था, बहुत सारे लोग आए थे। हालांकि मैं ऊपर नहीं जा पाई, पर मेरे भाई ने ये सारे फुटेजेस मेरे लिए लाए कि मैं ये वीडियो में एड ऑन कर सकूं। मुझे थोड़ा डर लग रहा था और मेरे पैरों में दर्द था इस वजह से, बट आप यहाँ पे जरूर से आइएगा, यू विल डेफिनेटली एंजॉय दिस बाहुबली हिल्स। सो फाइनली सनराइज के बाद हम लोग पहला डेस्टिनेशन ले चुके हैं। यहाँ पे हम आए हैं मंदिर में, जो है एकलिंग जी का। और यहाँ पे इनका भव्यता बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, अंदर से मंदिर बहुत ही प्यारा है। बट ड्यू टू द सिक्योरिटी रीजंस यहाँ पे फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, तो हम आपको बाहर से कुछ शॉट्स दिखाते हैं। और इसका मंदिर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। आपको इसका दर्शन लेने के लिए आपको एक बार उदयपुर आना होगा और यहाँ पे आपको ये मंदिर विजिट करना होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ छोटे मोटे सीन्स आपको दिखाते हैं और इसके बाद आगे चलते हैं। एकलिंग जी का मंदिर यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पुराना है, बहुत ही प्राचीन है। मंदिर की बात अगर मैं करूँ तो मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर और भव्य दिखता है अंदर से भी। और फैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा इसका कि ये आज भी राजा जी यानी जो रॉयल्स हैं उनके अंडर है। अगर आप यहाँ पे गार्ड भी देखेंगे ना, तो उनका जो यूनिफॉर्म है वो डिफरेंट होता है। और यहाँ पे सूर्यवंश यानी सूरज का एम्ब्लम होता है, तो आप यहाँ पे देख पाओगे कि ये जो जगह है गवर्न होता है यानी सिक्योरिटी वगैरह बाय द रॉयल्स itself। इनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट होती है, अंदर आप फोटोग्राफ्स वगैरह नहीं ले सकते। तो मैंने आप कोशिश की है कि मैं आपको बाहर से चीजें दिखाऊं। आप यहाँ पे देख पाओगे कि मूर्तियों के बहुत अच्छे अच्छे काम किए हुए हैं। आप ये देखिए, दीवारों पे बहुत अच्छे अच्छे कार्विंग किए हुए हैं, जिसमें बहुत सारे आइडल्स आप देख पाएंगे, जो इस मंदिर की खूबसूरती और चार चांद बढ़ाता है। दोस्तों अभी हम लोग गए थे एकलिंग जी के मंदिर और वहां से हम लोग आए हैं ढाबा लौगी। यहाँ पे हम लोग खाना खाने वाले हैं, तो लेट्स सी हम लोग क्या खाते हैं और आपके साथ छोटा सा फूड रिव्यू भी शेयर करते हैं।
ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बड़ी कंफ्यूज हूँ इस रेस्टोरेंट के नाम से. इट्स लाइक ढाबा लॉगी और लॉजी, बट व्हाटसोएवर नाम में क्या है भाई, खाने से मतलब है और खाना इसका बेहतरीन है. एंड अगर मैं इसके यू नो अंदर की बात करूँ कि दिखता कैसा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखता है. इसमें आप देखोगे यू नो एक गांव जैसा आपको यहाँ पे बसेरा दिखेगा. ट्रक का यहाँ पे बहुत सारा यूजेज है. अंदर आओगे तो आपको ट्रक वगैरह दिखाई देगा. एंड इसमें जो आप वॉल्स पे भी देखोगे ना, पूरा आपको चित्रकारी गांव जैसा दिखेगा. तो आपको बहुत मज़ा आएगा जब आप यहाँ पे एंटर करोगे. और अगर मैं इसके खाने की बात करूँ तो खाना भी एक नंबर है. जैसे कि पुराने ट्रेडिशंस में खाना बनता है, उसी प्रकार से ये लोग खाना बनाते हैं. तो अब यहाँ पे हमने क्या क्या खाया था इसका तो एक अलग पूरा सेपरेट वीडियो बनने वाला है, तो वो देखना बिल्कुल ना भूलिएगा. पूरा देखेगा आपको बहुत ही मज़ा आएगा. मैंने यहाँ पे कोशिश की कि आपको यहाँ का इंटरफेस दिखा सकूँ, अंदर का जो इंटीरियर है वो मैं आपको दिखा सकूँ. आपको मज़ा ज़रूर आएगा. ये अजमेर रोड पे पड़ता है, उदयपुर का अजमेर हाईवे रोड है, उधर पड़ेगा. तो आप यहाँ पे अगर आना चाहते हैं तो आप गाड़ी से आ सकते हैं या ऑटो भी ले सकते हैं. इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. जाकर आए ढाबा लॉगी एंड वहाँ से खाना खा के हम पहुँच चुके हैं सास बहू के मंदिर में. चलिए देखते हैं क्या है ये सास बहू का मंदिर एंड आगे इसके बारे में मैं आपको और भी डिटेल्स देती रहूंगी. तो चलिए चलते हैं. सास बहू का मंदिर ऐसा नहीं है किसी सास बहू का मंदिर बनाया गया है, नहीं, इसका नाम ही सास बहू का मंदिर दे दिया गया क्योंकि यहाँ पे प्री वेडिंग्स एंड शूट्स वगैरह बहुत होते हैं. एंड ये मंदिर बेसिकली जस्ट एक यू नो इसका स्ट्रक्चर है, इसमें कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है. आप इसके बाहर की वॉल्स में देखोगे बहुत ही सुंदर सुंदर कार्विंग की है मूर्तियों की, पर अंदर कभी मूर्ति स्थापित नहीं हुई क्योंकि ये मंदिर पूरी खंडित है. यहाँ की स्टोरी जो मैंने सुनी वो ये थी कि यहाँ पे युद्ध हुआ था जिसकी वजह से ये मंदिर तहस नहस कर दिया गया था. उसके बाद से ये मंदिर कभी भी वापस बना नहीं क्योंकि हिंदू धर्म के हिसाब से जो मंदिर टूट गया उसमें वापस कभी भी भगवान जी की मूर्ति स्थापित नहीं की जाती. पर यहाँ पे आप आएंगे तो आपको इतना सुंदर सुंदर आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा. यहाँ पे दूर दूर से लोग आर्किटेक्चर पढ़ने आते हैं. आप यहाँ खुद देख सकते हैं हर वॉल के ऊपर आपको बहुत ही सुंदर कार्विंग देखने को मिलेगा. तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा एंड नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुँचते रहे. इस वीडियो में बस इतना ही. मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखिए. टेक केयर एंड बाय बाय गाइस.